लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। जेएनयू में हुए उपद्रव की गर्माहट अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है। मुरादाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने मिलकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भेजा, जिसमें मांग की गई है कि दोषी छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और जो पीड़ित छात्र हैं उनकी सुरक्षा की जाए। जेएनयू ने छात्रों के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार छात्रों के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ इसी तरह जनपद मुरादाबाद में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने मिलकर अर्बन गो बैक जैसे नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही वामपंथी छात्र संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा है कि शिक्षा के मंदिर को अखाड़ा बनाया जा रहा है और वामपंथी संगठनों के द्वारा लगातार इस तरह का कार्य किया जा रहा है जिससे छात्र प्रताड़ित। सचिन चौधरी, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मेरठ प्रांत। कल जो देश के सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखने में जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आया है कि उसमें जो वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े जो गुंडे हैं, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और जो हो का सामान्य छात्र है उसे क्रूरता के साथ उस पर लाठी डंडों पत्थरों से हमला बोलते हैं, जो देखने में आता है ये एक दिन की नहीं है, उनकी सोच सरणी रणनीति है। आप देखेंगे पिछले बहुत दिनों से जेएनयू के अंदर जो ये वामपंथी छात्र संगठन है वहाँ गुंडागर्दी खून की होली जो खेल रहे हैं उनका चेहरा कल फिर एक बार उजागर होता है और देखने में आता है। कल जो एक सामान्य छात्र जो वहाँ पढ़ने के लिए जाता है, पहले उसे कक्षाओं से बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है, उसके बाद उसे परीक्षा देने से रोका जाता है, और तीसरा कल वो जब अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए जाता है तो ऐसे छात्रों को जो सामान्य छात्र है जो पढ़ने के लिए उस महाविद्यालय के अंदर गया है उसके ऐसे चिन्हित करके उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ दिए जाते हैं और फिर उन्हें चिन्हित करके वो किस हॉस्टल में पढ़ते हैं शाम को देखने में आता है। चेहरे से नकाशपोश बांधकर उन पर लाठी डंडों से बरसात करते हैं। आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से जो ये वामपंथी छात्र संगठन है जो गुंडे पाल रखे हैं, ऐसे गुंडों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जो तुम्हारे की महाविद्यालय होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पढ़ाई पठन का माहौल हो, इसे लेकर विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही काम करती चली आ रही है। जो उसके कॉलेज परिसर के अंदर जो कल देखने में आया है कि वहाँ बहका वातावरण है, वहाँ का सामान्य छात्र भयभीत है, उस छात्र को सामान्य सुरक्षा दी जाए, यही मांग विद्यार्थी परिषद की।